ये देखिए पूरी दीवारें खंडर हो चुकी है आज की डेट में, और मैं आप लोगों को एक जगह और लेकर के आया हूँ दोस्तों। ये इस जगह का जो अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, और दोस्तों जिस हिस्से पे मैं अभी हूँ यहाँ पे, आप लोग इस हिस्से से आगे ना जाएं, तो भाई बहुत डर लग रहा है मुझे। बाहुली को देख करके मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इसकी जो डेप्थ होगी, किला जो बनाया गया हो बहुत ही ज्यादा ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया होगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तुगलकाबाद का किला। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और मैंने कहा भी था कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों अगली वीडियो में तुगलकाबाद का किला। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए तुगलकाबाद की वीडियो। और जो ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा था उसमें, उस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी जो कि अधूरी रह गई थी, वो थी इस किले के अधूरे रह जाने की कहानी। और ग्यासुद्दीन तुगलक का 5 साल का शासन क्यों रहा था, उस पर से भी मैं आज पर्दा हटाने वाला हूँ। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में तुगलकाबाद के किले से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ की जो टिकट होने वाली है सेम ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे की जितनी होने वाली है, 20 रुपए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 25 रुपए, तो सेम वही होने वाला है आपका टिकट काउंटर। और उसके सामने जस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखेंगे कि ग्यासुद्दीन तुगलक का आपको मकबरा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों सामने ही। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसके इस तरफ जाएंगे आप तो बदरपुर बॉर्डर, और इस तरफ जाएंगे तो महिपालपुर मतलब कि मेहरौली वाला रास्ता ही है। तो दोस्तों चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं तुगलकाबाद का किला। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये दीवारें हैं तुगलकाबाद का किले की। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये उस टाइम पे नहर हुआ करती थी जो कि आर्टिफिशियल बनवाई गई थी, लेकिन आज के समय में देखेंगे कि ये नाला बन चुका है। और दोस्तों इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों ही तरफ आपको नहर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं तुगलकाबाद किले के अंदर, और आप लोगों को उसके इतिहास के बारे में बताते हैं, और उससे जुड़ी हुई जो स्टोरी है, जो कहानियाँ हैं वो भी बताएंगे। जैसे आप वहाँ से आएंगे तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे तुगलकाबाद किले के हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। और ये देखेंगे दोस्तों ये गेट है जहाँ से हमें एंट्री करनी है इस किले के अंदर। तो अभी चल रहे हैं दोस्तों हम इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या क्या बना हुआ है वो चीज़ें दिखाते हैं दोस्तों। ये कुछ व्यू है, आप अंदर से देख सकते हैं इस किले का। तो दोस्तों अब हम इस किले के अंदर आ चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों जब गाजी मलिक पंजाब गवर्नर के सूबेदार, उस समय उन्होंने मोहम्मद शाह के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हमें दक्षिणी दिल्ली की एक ऊंची पहाड़ी पर एक किला बनवाना चाहिए। उस समय बताया जाता है कि मंगोलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा था दिल्ली पर, तो इसी के कारण उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आप लोग की हमें एक किला बनवाना चाहिए। तो उस समय दोस्तों जो मोहम्मद शाह थे, उन्होंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था, और एक एटीट्यूड भरे अंदाज में कहा था कि गाजी मलिक तुम एक किला बनवाओगे। और उसके बाद में 1321 में उन्होंने इस किले का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। और बताया जाता है कि इस किले का निर्माण 1321 से लेकर के 1325 तक चला, उसके बीच में ही उनका इंतकाल हो गया। जो इसकी फाउंडेशन रखने वाले हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल एक शराब के कारण हो गया था, और उसी के कारण, और देखेंगे आपकी ये किला एक खंडर दिखेगा आपको आज की डेट में। तो जो शराब दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, इस चीज पे भी बात करेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस किले का थोड़ा सा दिखाता हूँ कहाँ पर क्या चीजें बनी हुई हैं। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं आप, बताया जाता है कि यहाँ पर जो मजदूर हुआ करते थे उनके लिए कमरे बने हुए थे, और वो यहाँ पर आराम किया करते थे। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं इस किले के अंदर, जो बावली है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो आपको सीधा रोड बावली की तरफ जाएगा आपका। देखेंगे आप ये जो रोड जा रहा है ये बावली की तरफ जा रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जो फरोजशाह कोटला फोर्ट था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली में पानी की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समस्या हुआ करती थी उस टाइम पे। और जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ तुगलकाबाद में, यहाँ पर आज भी पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो उसी शॉर्टेज को देखते हुए बताया जाता है कि हर एक किले में, हर एक फाउंडेशन में, जो भी मुगल की रही हो या फिर तुगलक की रही हो या फिर खिलजी की रही हो, और खिलजियों की जो है वो श्री फोर्ट में आप देखेंगे वहाँ पर भी एक हौज बनाया गया है, जिसे कि आम तौर पर एक बावली भी कहा जाता है। तो इस किले के अंदर भी आप लोगों को एक बावली देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, तो दोस्तों ये जो देखेंगे आप, ये बावली का गेट है
और इसी के अंदर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहरी बावली है। और ये देखिए दोस्तों, मतलब कि भाई साहब ये तो हर एक बावली से ज़्यादा गहरी है, लेकिन आज के समय में इसमें पानी नहीं है। तो भाई बहुत डर लग रहा है मुझे तो। दोस्तों ये देखेंगे आप, ये बावली है और अभी जो ये स्टेयर्स देख रहे हैं नीचे जाकर के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस बावली को, तो काफ़ी गहरी बावली होने वाली है दोस्तों। ये देखिए, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 मंजिला बावली है ये। तो अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ। और दोस्तों जिस हिस्से पे मैं अभी हूँ यहाँ पे, आप लोग इस हिस्से से आगे ना जाएं। और इसकी जो बेस्ट विजिटिंग टाइम है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसमें जब विज़िट करें तो आप ध्यान रखें कि 9 बजे से और 3 बजे तक ही विज़िट करें, उसके बाद में ना करें। अगर आप उसके बाद में भी विज़िट कर रहे हैं तो इस एरिया में ना आएँ खासकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। एक सुनसान जगह है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी स्टेयर्स देख सकते हैं आप, मंदिर की तरफ चल रहे हैं। और ये जो देखेंगे बावली जो बनी हुई है, पूरा किला बताया जाता है कि अरावली पत्थर से बना हुआ है, इसको अरावली स्टोन कहा जाता है। काफी गहरी बावली है दोस्तों, ये देखिए भाई काफी गहरी है। आज के समय में इसमें पानी नहीं है, और बावलियों में तो आप लोगों को पानी देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि ये बावली इसलिए ज़्यादा गहरी बनाई गई हो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना है। और इस बावली को देख करके मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसकी जो डेप्थ होगी, किला जो बनाया गया हो बहुत ही ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया हो दोस्तों। बाकी ये देखेंगे आप, ये अरावली पत्थर हुआ करता है और इसके बीच में जो होता है वो एक जंगली पत्थर इसके अंदर होते हैं। ये देखिए भाई बहुत ही जबरदस्त। तो अभी स्टेयर्स देखेंगे आप, थोड़ा गुड कंडीशन नहीं है, तो जब भी आप आए जाए तो अच्छे से आना भाई। नहीं, हम तो उड़ के आएंगे। अरे यार ध्यान रखना पड़ता है ना, मैं भी चल रहा हूँ, मेरे को तो डर लग रहा है। तो ये देखो भाई जंगल हो रखा पूरी बावली में, और मेरा दोस्त गया ऊपर, मैं भी जा रहा हूँ। तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ये, अगर इसे हॉन्टेड प्लेस ना कहा जाए तो किसे कहा जाएगा, बहुत ही डरावनी जगह है भाई। तो ये बावली देखेंगे दोस्तों, चारों तरफ से घेरा लगा दिया गया है इसमें ताकि की, क्योंकि बहुत गहरी है मैंने देखा, जिससे कि खतरा जो रहता है आप बच्चों के गिरने का वो ना हो। तो दोस्तों बावली के बाद अब मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये बताया जाता है उस समय का जो किंग पैलेस हुआ करता था, जो राजा का महल हुआ करता था, वो यही हुआ करता था। तो उस समय प्रवेश द्वार हुआ करता हुआ ये। आइए दोस्त दिखाते हैं अंदर से कैसा है ये। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एक तरीके से वेलकम द्वार हुआ करते थे उस टाइम पे महल के लिए। तो ये महल के आसपास एक कमरे बना रखे हैं, और ये देखेंगे ये भी महल की दीवार है। देखिए दोस्तों ये पूरा महल की दीवार आपको दिखेगी, खंडर हो चुका है आज की डेट में ये पूरा। तो दोस्तों देखेंगे आप, ये महल की दीवारें हैं, और जैसे ही आप आएंगे मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हुआ करता था ये स्नान घर हुआ करता था, और ये बाथ टब बना रखा है एक तरीके से, और इसके अंदर नहाया करते होंगे उस टाइम पे वो लोग। ये देखिए पूरी दीवारें खंडर हो चुकी है आज की डेट में। और मैं आप लोगों को एक जगह और लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, ये इस जगह का जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, आप इस जगह को जो पूरा देखेंगे मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि उस समय ये एक तरीके से वेटिंग रूम हुआ करता था उस टाइम, बैठक हुआ करती थी उस टाइम पे, और जो भी फैसला वगैरह सुनाना होता हुआ राजा अपने वहाँ सिंहासन से सुनाया करते होंगे उस टाइम पे। और दोस्तों ये पूरा जो किला है, ये किंग पैलेस है, पैलेस, ये किंग पैलेस की जगह है, और ये पूरा आज की डेट में खंडर हो चुका है। जैसे कि मैं आप लोगों को इस तरफ भी दिखाऊं तो देखेंगे आप कि पूरा खंडर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे आप ये खंडर की हालत में इस तरफ का पार्ट भी, और बीच में जो देख रहे हैं शायद ये होता हुआ उस समय का जो एंट्री गेट हुआ करता हुआ वो ये हुआ करता हुआ। तो यहाँ पे खाने बने हुए हैं अलग अलग कमरे होंगे उस टाइम पे ये।
और दोस्तों मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो बनाई गई है ये डिज़ाइनिंग, ये उन लोगों के मंत्री वगैरह के लिए बनाए गए होंगे हाउस रहने के लिए। तो दोस्तों किंग पैलेस के बाद में अब हम यहाँ से जो देखेंगे आप ये किले का पूरा नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी चल रहे हैं हम वहाँ से और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, मस्जिद, मदरसा और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों उस तरफ चल रहे हैं अभी हम।